20 संवत 2504 भाद्रवद दसम सोमवार तारीख 25 9 78 ना दिने पूज्य श्री कांजी स्वामी नो श्री समयसार शास्त्र में गाथा 31 ऊपर स्वर्ण भूमिमा प्रवचन श्री समयसार शास्त्र पन्ना 19मी वक्त ना श्रवण प्रवचन नंबर 91 नमो नोए सौरियंताणम नमो नोए सौरियंताणम नमो नुवि सौभागिरीयान नमो नुवि सौजायानम नमो नुवि सौ त्रिकालवर्ती श्रावणम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिन कामदम औषधम से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मंगलम नमः सुमरिस्ताराय स्वानु भूत्या चास्ते स्वाय भवाय समय सा एकत्रिश गाथा आया है। इस प्रकार क्या आया है जो द्रविंद्रियो या जड़ पर्याय भावेंद्री ये खंड खंड ज्ञान जनाते हैं वो और पंच इंद्रियों का विषयभूत पांच इंद्रिय ना विषयभूत पर पदार्थ तीनों को जीत कर अर्थात तीनों से भिन्न होकर विनायक चैतन्य स्वभाव असली टिकाली असल स्वरूप उसका अवलंबन से ऊपर से प्रेम करना वो इंद्रिय जीत कहने में आया है। ने विनायक शंकर नाम का दूषाता था क्या कहते हैं भगवान स्वरूप चैतन ये तो सच्चिदानंद विनायक स्वरूप उसमें द्रविंद्री परग्नि है भावेंद्री पर परग्नि है आने स्त्री कुटुंब परिवार देवगुरु शास्त्र देश ये सब पर द्रव्य है ये तीनों का लक्ष्य छोड़कर अपना चैतन्य स्वभाव को पकड़कर उसकी एकाग्रता होना ये आत्मा में वास्तविक निश्चय स्तुति है। आओ मुझे विनायक शंकर क्या कहते हैं भगवान चैतन्य स्वरूप उसमें द्रविंद्री भावेंद्री ये पर्ग नहीं है अपना स्वग्नि विनायक चैतन्य प्रभु उसे द्रविंद्री भावेंद्री ये परनी है और देव गुरु शास्त्र स्त्री कुटुंब परिवार ये सब परिदृत है। ज्ञायक चैतन्य प्रभु एक क्षोभशमनी अवस्था ये भी परद्रव्य परग्नि देव गुरु ने शास्त्र ये परग्नि है स्वग्नि में
परदेव का संबंध संयोग मानना ये बड़ा मिथ्या का दोष है। अभी प्रभु अंदर सच्चिदानंद प्रभु जिसका स्वभाव एकीला ज्ञान आनंद ऐसी चीज से पर्याय शरीर परिणाम ने प्राप्त पर्याय इंद्रिया ये परग्नि है। भाव इंद्रिय जे ज्ञान की पर्याय खंड खंड जानाती है ये भी त्रिकाली विनायक की दृष्टि से ये परदृश है। तो देवगुरु शास्त्र ने ये तो क्या ही रह गया ईश्वर भाई। ये तीनों को जित कर नाम गिनेय गिनायक शंकर नाम का दोष आता था। गिनायक भगवान सच्चिदानंद प्रभु और गिनेय वो तीनों चीज एकता अपना की मानता ना दोष मिथ्याता आता था। शंकर नाम का दोष आता था। शंकर नाम दो का एकत्व संबंध है ऐसा जो दोष आता था सो सब दूर होने से अपना भगवान विनायक चैतन्य ज्योत ध्रुव ध्रुव प्रवाह अनादि है उसको पकड़ करके स्वामिनेय का पकड़ करके परमिनेय को भिन्न कर दिया। हरी बात से प्रभु सुनता है मार्ग आ तो अजी प्रथम सम्यक दर्शन ने सम्यक अनुभव की बात है। पीछे राग ज्ञानी को भी आता है ये दूसरी तीसरी गाथा में कहेगा। समझ में आया यहां तो प्रथम बार इंद्रिय द्रवेंद्रिय पर ज्ञायक ने सात संबंध नाम एकत्व बुद्धि थी इतना नाश किया। स्वभाव का अवलंबन से पर की सात एकत्व बुद्धि थी इस स्वभाव के आश्रय से दोष नाश किया। ये दोष नाश किया ये एक आत्मा की स्तुति हुई। अंतर वास्तविक तत्व है उसका प्रशंसा किया स्तुति किया। समझ में आया भावेंद्रिय ने द्रवेंद्रिय ने संयोगी चीज की जो प्रशंसा ये तो इंद्रिय की प्रशंसा है। भगवान की स्तुति पन इंद्रिय की प्रशंसा है। यहां कहते हैं कि दोष आता था सब दूर होने से। एकत्व में टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा एक रूप स्वभाव टंकोत्कीर्ण टांकने से जैसे खुला हुआ अंदर में से प्रतिमा निकलती है ऐसा भगवान टंकोत्कीर्ण थी। राग से भिन्न होकर चैतन्य लो भिन्न कर दिया। महर्षि जी हूँ आप सांबरू कृष्ण पड़ी महाराज हो बापा। अनंत काल नो अजाण्यो महाराज।
यहाँ कहते हैं कि उसको उच्चारण में लेना और ऊपर का एकत्व बुद्धि की दृष्टि छोड़कर एकत्व स्वभाव में एकत्व होना एक पर के साथ एकत्व बुद्धि था ये मिथ्या का संयोग का संबंध का दोष था। असंग भगवान ने पर का संग मानना ये जो बात है भाई। ये सब दूर कर दिया चैतन्य विनायक अतेंद्रिय आनंद का कंद प्रभु अतेंद्रिय आनंद का दौड़ उसका आश्रय लेकर पर के एकत्व का छोड़ दिया। अरे बात है अजी राग है पर राग की एकता टूट गया समझ में आया। भावेंद्री है द्रवेंद्री है प्राण उसकी एकता टूट गई। ये प्रथम दर्जा की केवल ज्ञानी की स्तुति कहो कि केवल एक ज्ञान प्रभु उसकी स्तुति कहो। अरे बात है प्रभु अनंत काल की आथड़ो विना भान भगवान सेवा नहीं गुरु संत नहीं सेवा नाम कहीं पग दाबा थे। हमने कही भी आज्ञा न मानी संतोनी आज्ञा शास्त्रनी आज्ञा विकरागता प्रकट करना ही आज्ञा है। विकरागता प्रकट कब हो कि पर से भिन्न होकर समय एकत्वता करने से वितरागता प्रकट होगी। ये गुरु ने आज्ञा आए समझ में आया। शंकर नाम का दोष आता था शंकर नाम एकत्व संयोग संबंध सो सब दूर होने से एकत्व में टंकोट करना पर इस चीज क्या ये ज्ञान स्वभाव के द्वारा प्रज्ञा ब्रह्म प्रभु ये प्रज्ञा ज्ञान स्वभाव के द्वारा सर्व अन्य द्रव्यों से परमार्थ से भिन्न ऐसे अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। ऐसे अपना आत्मा का अनुभव करते हैं वे नीचे से जितेंद्र जिन है। घट घट यंत्र जिन रसैन घट घट यंत्र जैन ये जिन स्वरूपी भगवान आत्मा उसका आश्रय लेकर पर की एकत्वता पूरी ये पर्याय में जिन हुआ। द्रव्य में तो जिन था वस्तु घट घट यंत्र जिन वसे मेरे घटमा भगवान जिन स्वरूपी भगवान बिराते हैं घट घट यंत्र जैन ये जीन का अवलंबन लेकर पर की एकता तोड़ दिया वो जैन जैन कोई पक्ष संप्रदाय नहीं। समझ में आया ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है।
बाहर से जिन कह रहा है गम थान क्वासी अंदर अवश्य घट घट अंतर जिन वसे अज्ञान स्वभाव जिन स्वभाव ये जिन स्वभाव का अंतर में प्रतीत करके प्रकीयता तोड़ दिया, ये वर्तमान पर्याय में जीन हुआ, जितेंद्री जीन हुआ, पूर्ण जीन नहीं है जी पर्याय में। समझ में आया? अरे आई बात में हो गई मानस ने। त्रण लोक नो नाथ अंदर बिराजे से प्रभु तारी नजर ने आवसे रेते निरख्या नो नई ने हरी स्तुति आवसे विष्णु माया मारी नजर ने आवसे रे मैं निरख्या नो नई ने हरी हरी इतने आ अज्ञान ने राग देश को हरे ये हरी पंचायत है ना हरी नॉर्थ की हा वितरागी ज्ञान स्वभावी भगवान ज्ञान स्वभाव किया ने द्वारा हा ये वितराग स्वभाव वही ज्ञान स्वभाव भरी जिन स्वभाव भरी हा हा अंदर मैंने प्रकट कर दिया सूक्ष्म बात है भाई। ऐसे आत्मा ना अनुभव करते नहीं जितेंद्र जी है कौन ज्ञान स्वभाव भगवान आनंद ज्ञान 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 इतने जानक सर्वज्ञ स्वभाव स्वरूप नो सर्वज्ञ स्वरूप एकला ज्ञान स्वभाव अचेत अंद्रियों में नहीं अर्थांत आ ज्ञान स्वभाव दूसरा कोई पदार्थ में नहीं भगवान ना पदार्थ में पर आ ज्ञान स्वभाव नहीं અને એવું જ્ઞાન સ્વભાવ ભાવેન્દ્રિય દ્રવેન્દ્રિય અને પર ભગવાન એ બધા અચેતન એટલે આ ચેતન નહીં એ અદભુત વિસ્મયકારી તત્વ તેરા ભગવાન અંદર એ તત્વના અવલંબે અચેતન રહ્યું મેં નહીં એ વસ્તુ સ્વભાવ જે આનંદ ને જ્ઞાન પ્રજ્ઞા બ્રહ્મ પ્રભુ પ્રજ્ઞાનામ જ્ઞાન ને બ્રહ્મનામ આનંદ એ તો આપે કે નહીં વિશ્વમાં આપે પ્રજ્ઞા બ્રહ્મ उसकी पर्याय क्या गुण क्या नहीं है तो सर्वज्ञ थी सिद्ध हुआ उसको क्योंकि जी ज्ञान स्वभाव अन्य चित्त नहीं इसलिए उसके द्वारा आत्मा सबसे अधिक भावेन्द्री अरे सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ उससे भी अज्ञान स्वभाव अधिक भिन्न है समझ में आता है उसके द्वारा आत्मा सबसे अधिक भिन्न परिपूर्ण मनुते जानने में आता है अनुभव में आता है वो चीज पर से सदम भिन्न है
त्रैलोक ना तीर्थंकर केवड़ी उससे भी आर्थिक भिन्न है। श्रीमन भाई आत्मा हूं श्रुति भिन्न है आना थी ये भिन्न है ना थी भक्ति 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 मां भूल मुंह भूल गया भक्ति करें देव गुरु नहीं तो कल्याण होगा तो परद्रवनी भक्ति तो राग है ये नहीं बात से भाई स्वद्रवनी भक्ति वितरागता है भजन नाम पूर्णानंद नाम नाथ नो दृष्टि में भजन करना ये वितरागी स्तुति है ये वास्तविक केवल ज्ञानी की स्तुति है। केवल ज्ञानी एम कहते हैं भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर एम कहते हैं कि हम तेरे से भिन्न है अने हमारा से तेरी चीज भिन्न है ऐसी भिन्न चीज की स्तुति करे उसने वास्तविक केवल ज्ञान की स्तुति किया। हा हा हमारी सामू देखकर हमारी स्तुति करे ये तो राग है ये आत्मा नहीं। हा हा आता है धर्मी को भी राग आता है पर ये बंधन का कारण व्यवहार आता है। जब लग वितराग न हो पर्याय में वितरागता सर्वज्ञता न हो तब लग साधक जीव को भी अपना भगवान आत्मा की एकाग्रता की स्तुति होने पर भी पूर्ण एकाग्रता नहीं ये थी भगवान ने देवगुरु नो विनय आदि नो भाव आता है पर ये भाव पुण्य बंद का कारण है। हा समझ में आया आओ लागे आख मनो सके मा के आओ क्या थी कटो एम कहते भाई मार्ग जा छे बापू। हा अरे जन्म मरण करी करी ने हा होता निकली गया बापा आता नहीं खबर नहीं भूली गयो भूली गयो एटले महत्व एम प्रभु कौन के। हा हा जन्म पीछे छह मास में बारह मास में क्या हुआ खबर है माता पिता एक कैसा कहा कैसा जंगल बैसा है कैसा खबर है जंगल बैसा था ना बालक होते बे पग लांबा करी अने पग मबे आया हूं ये खबर है खबर नहीं मैं क्यों नोतो है। हा हा आंख में बे आ रहे हैं हाथ आप करेंगे छ महीना बार महीना क्रिया ख्याल में है नहीं ख्याल में नहीं था तो नहीं थी ऐसे आनंद का प्रभु चार गति ना दुखो अनंत बार देखा थे प्रभु एक खबर नहीं थी मैं कि नहीं था ऐसा है नहीं है लॉजिक से न्याय से हैं कहते हैं कि इस आत्मा का स्वभाव द्वारा सबसे अधिक भिन्न कैसा है ज्ञान स्वभाव भगवान ज्ञान स्वभाव चैतन्य हीरो आत्म हीरो कैसा है कि विश्व के ऊपर तीरता हुआ है क्या कहते हैं राग देवगुरु शास्त्र स्त्री कुटुंब परिवार उसको ज्ञान जाने जाने छता तेरू होता नहीं
समझ में आया? ऊपर तिरता उन्हें जानता हुआ भी उनरूप नहीं होता हुआ, पर को जानता हुआ भी जानते जानने में रहने वाला है, पर रूप होता नहीं। अग्नि को ज्ञान जाने तो ये ज्ञान में अग्नि आई नहीं, अग्नि रूप ज्ञान हुआ नहीं, पर ज्ञान संबंध अग्नि संबंधी का ज्ञान अपने में ज्ञान होता है। तो ज्ञान हुआ अग्नि संबंधी तो ये ज्ञान अग्नि रूप हुआ, ऐसा है नहीं? ऐसे ज्ञान प्रभु पर को जाने पर रूप होकर जानते नहीं। अपने में रहकर जानते हैं, पर ना जानना हुआ, पर ना जानना हुए से पर रूप हुआ। कि पर का जानना ही तो अपना जानना है। हाँ, जानता है वो भी उन रूप नहीं होता, प्रत्यक्ष उद्योगपने से सदा अंतरंग में प्रकाश मान प्रत्यक्ष है। जिसको जानने में राग ने निमित्त की अपेक्षा नहीं तो सीधा अपना मति शुद्ध ज्ञान से प्रत्यक्ष जानने में आता है। निचला दर्जा की बात है वाजी तुम, मति शुद्ध ज्ञान ये सम्यक हुआ, ये प्रत्यक्ष जानते हैं। हाँ, भगवान पूर्णानंद स्वरूप ये प्रत्यक्ष उद्योत मान सदा अंतरंग में प्रकाश मान, सदा अंतरंग में प्रकाश मान चैतन्य ज्योति जड़ हो ज्योति विराजमान प्रभु अविनश्वर, कभी नाश नहीं होता, ये चीज है कभी पलटती भी नहीं, पर्याय पलटे हो तो बस। स्वतः सिद्ध अपने से है, कोई करता फरता उसका है। समझ में आया? करता हो ईश्वर, कोई करता कहे तो परमेश्वर है, तो ईश्वर करता नहीं ऐसा काम बनाया तो ऐसा कर उसका जन्म क्यों दिया, तो ईश्वर करता हो तो ईश्वर नहीं करता नहीं है ऐसा मानने वाले को जन्म क्यों दिया। बहन तो करी थी तुम्हारे छह ही विचार के फिर आयो बात है ना गिर गया बहन इधर विचार से। कोई अवतम सिद्धांत आवे सुन पत्र नहीं कल्याण एक फिर सुना था कल्याण आवे गिरी आता है मतलब। हाँ भगवान तेरू कल्याण स्वरूप तो अंदर भिन्न है, एनो कोई करता है? अरे द्रव्य जो है ये तो पर्याय के करता नहीं। भगवान आत्मा ज्ञायक ध्रुव स्वरूप ये उतनी निर्मल पर्याय का भी ये करता नहीं। पर्याय का करता पर्याय है। आओ मार्ग अरे जन्म मरण ना अंत लावा ना प्राणा मया प्रभु।
ये ताने नहीं समझेगा कभी समझेगा। हाँ स्वतः सिद्ध और परमात्म रूप परम पदार्थ परम पदार्थ परम अर्थ परमार्थ परम अर्थ परम पदार्थ ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव को भगवान ज्ञान था। भग नाम आनंद ने ज्ञान लक्ष्मी वान नाम लक्ष्मी वान आत्मा भगवान है। ज्ञान रूपी लक्ष्मी भंग इतने ज्ञान रूपी लक्ष्मी उसका वान ये लक्ष्मी वान है। आ दूर वाला नहीं ये सौभाग्य सिंह जी गुजर गया ने गुजर गया है ना घर माती एक आवता था कोई। भाग्य विना क्या मरे बापा। ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। इस प्रकार एक निश्चित स्तुति तो ये हुई एक प्रकार हुआ स्तुति ना त्रण प्रकार है ना एक प्रकार हुआ पर से भिन्न होकर राग रहा पर राग से भिन्न होकर एकत्र तो हुआ ये पहली स्तुति के निमाया है। जी राग बाकी है संकीति को अनुभव हुआ पते राग की एकता टूटी पर राग की अकीर्ता बाकी रहेगी। समझ में आया राग को हो कि दुख को हो। दुख का आनंद स्वरूप में एकत्व का तो नाश किया पर अथियता का राग में दुख है ये बाकी है। समझ में आया इस प्रकार एक निश्चय स्तुति तो यह हुई खुलासा किया इन्हें तो द्रविंद्री जो है विनय पर भावेन्द्री विनय पर इंद्रियों का विषय विनय पर ये पदार्थों का और ज्ञायक स्वरूप स्वयं आत्मा का दोनों का अनुभव विषयों की आसक्ति से एक सा होता था हमारे से। जब वेद ज्ञान से भिन्नत्व ज्ञात किया भावेन्द्रिय ने पर पदार्थ है पर भिन्न तो भगवान है उसका ज्ञान किया भारी बात भाई। तब वे गिना एक संकट दुख दूर हुआ तो जो एक था ऐसी मान्यता का नाश हुआ परद्रव्य ने परद्रव्य रूप राग ने भावेन्द्रिय एकत्र तो था उसका नाश हुआ पर अजी बाकी रह गया खरा। अजी भावेन्द्री द्रविंद्री नु निमित्तपणु देव गुरु नु पण निमित्तपणु एकत्र थी जुदो थियो पण अफीरता थी जुदो जी नहीं थिया। आ बीजा प्रकार की स्तुति ऊंची पहली स्तुति तो पर से भिन्न कर दिया रात इकट्ठा हुआ एक स्तुति वे पर से भिन्न किया तो पुनः अंदर में अजी राग बाकी रहा जो बाग राग न रहे तो भीतराग रेखा हो जाए। समझ में आया तो सम्यक दृष्टि को भी जितेंद्री हुआ तो पण भी जिन स्वरूप का अनुभव हुआ तो पण भी राग बाकी है। तो ये राग का जीतना कई रीते होता है ये बात करते हैं। समझ में आया
दो का एकत्व को छोड़ दिया, पण दो में राग अजी बाकी है, उसको अस्थिरता नहीं छूटी। हा हा, समझ में आया। धर्मी को भी, सम्यक दृष्टि को, ज्ञानी को, क्षायक संकेति को, भगवान का वंदन स्तुति का राग आता है। हे राग, हे दुख, हे आकुलता, हे कषाय, समझ में आया। तो हवे अब भाग भाग शंकर दोष दूर करके, वो पहले में ज्ञे ज्ञायक एकत्व पर ज्ञे ने स्वविनायक एकत्व मानता, ये दोष दूर किया। हवे यहां ये उपरांत आगे जाते हैं। हवे भाव्य आत्मा राग रूप होने के लायक है, भावक कर्म का उदय है। ये उदय के अनुसार अपनी युक्ता से राग जो था उसको भाव कहते हैं, संकीति को भी बात था। भाव्य कर्म जी जड़ है, ये भावक है, और अपनी पर्याय में उसके अनुसरण करके विकार भाव होता है, ये बल है। संकीति को, ज्ञानी को, मुनि को भी राग आता है। समझ में आया। गजब बात है। हमें एम ज मानी लेव कि ज्ञानी को दुख है ही नहीं, विपरीत दृष्टि है। ज्ञान विपरीत हुआ, ज्ञान दृष्टि विपरीत। आए तो एकत्व तोड़ दिया भगवान, ज्ञान स्वभाव दृष्टि में अनुभव में आया तो राग की, परद्रव की, भावेंद्री की एकता टूट गई। पण हजी एकता में अस्थिरता है नहीं। समझ में आया। एक कर्म का भावक, भावक क्यों कहा कि मूल विकार आत्मा का स्वभाव नहीं, बराबर करना। भावक कर्म का उदय, भावक भाव के करने वाला, अने एने अनुसरी ने राग अपने में होता ही भाग है। पर का अनुसरणा भी पाग है, ऐसा न होने देना, ये दूसरी स्तुति है। समझ में आया। हारी बात हो गया। हाथ हा तो कॉलेज है तो थोड़ा तो अभ्यास हो तो एक नहीं अखीरता आती है न, दोष है, इतना दोष है उसको जानते हैं, पर मेरी पर्याय में उदय के अनुसार मेरी बाल दशाएं मेरा में होती है, ऐसा भान करते हैं। जीनी बात है, ये तो गाथा पे थी जुड़ी आए। आत्मज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ भगवान, पर से भिन्न हुआ, पर से अस्थिरता से भिन्न नहीं हुआ। जी जो अस्थिरता से भिन्न हो जाए तो विदराग हो जाए। सुमेर जन्म जी के बराबर आया है, बराबर भगवान है ने, तारी बराबर आती जमाए। हा ये वाणी क्या प्रभु, यहां प्रभु कहते हैं कि एक जगन स्तुति तो राग
भाग में भाव इंद्री पर्ग में है, मेरा गिनायक भिन्न है, ऐसा पान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, स्वरूप मां आचरण पर थोड़ा हुआ। पर हजी स्वरूप में फिर होना पूर्ण ये नहीं, क्यों के भाव जो कर्म है उनके अनुसार अपनी विकारी पर्याय भाव होने में लायक जीव है। अभी भाव कर्म से बाहर विकार होता है ऐसा नहीं, तेम विकार भाव होता ही नहीं ऐसा नहीं है। भाव विकारी भाव ये भावक जो कर्म है उसके पर्याय संकीति ज्ञानी की भी उसके अनुसरण होकर जो विकार होता था उसका नाम भाग। ये अनुसरण पर का छोड़ना अपना शुद्ध का अनुसरण विशेष करना ये दूसरा प्रकार की द्वितीय है। आए तो उपशम श्रेणी की बात करते हैं, अंदर उपशम श्रेणी इतले कि कर्म का उदय के अनुसार जो राग था उसको स्वभाव के अनुसार उपशम करके छोड़ दिया, ये दूसरी स्तुति है। उपशम भाव हुआ सत्ता में राग आदि है पर उससे भिन्न होकर अपने मां भाव जो भाव कर्म का निमित्त के अनु निमित्त से होता नहीं, निमित्त पर द्रव है उसे क्या पर उसके अनुसार अपने पर्याय में संकीति को भी मुनि को भी जो राग आदि आता था ये राग को भाव कहते हैं, कर्म का वो देखो भाव कहते हैं। हा 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 अरे भगवान आ तो सर्वज्ञ परमात्मा नो मार्ग भाई एम कहीं आडू एक के फेरफार थाय दृष्टि विपरीत हा भाव भावक शंकर आ शंकर नाम एकत्व नहीं एकत्व बुद्धि नहीं पर एक, एक राज साथ अस्थिरता होती है इतना शंकर है इतना दोष है। संकीति को ज्ञानी को क्षय संकीति को जी अपनी पर्याय में अपनी लायकात योग्यता से कर्म का भाव के अनुसरी ने जो विकृत भाव होता था इतना स्व का अनुसरण नहीं था। समझ में आया ज्ञानी को भी समकीति को भी अरे मुनि को भी सच्चा मुनि हो भाव नहीं उसने भी जरी राग पांच महावर्त का आदि आता है एक कर्म भाव का अनुसर नहीं होता है स्वभाव ने अनुसार ही विकार नहीं हो समझ में आया प्रभु आ तो मार्ग अंदर सच है हाँ कोई पक्ष करी ने नहीं आए कि बस हा 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 प्रभु आत्मा की स्तुति ना तृण प्रकार उसका जो न्याय भाव उसकी स्तुति नाम राग से पृथक होकर अंदर एकाग्र होना ये प्रथम स्तुति है और दूसरी स्तुति आगर बढ़कर भावक जो कर्म है उसके अनुसार अपने में अपनी कमजोरी से राग दुख
की पर्याय होती थी इबादत, उसको अपना स्वभाव का अनुसरण करके बाल होना देना नहीं, ये दूसरी स्थिति है। सुन निर्मल जी, भगवान देखो तो आ बत्रीश, जो मोहन तू झीणी था नाश करीने नहीं मुक्षम करीने नान सारं अधियं मुदी आदम तं जीत मोहन साहू परमट व्याणिया बिंती हरिगीत कर्मो जय ज्ञान स्वभाव रूप अधिक जाने आत्मा ने अधिक नाम राज जो था संकीति को भी उससे अधिक नाम भिन्न अंदर अनुभव करे फिरता से भी भिन्न होकर चौथे गुण स्थाने भी तीन कषाय बाकी है, पांचवें गुण स्थान है दो कषाय बाकी है, छठे एक कषाय बाकी है, राग है ये दुख है। ये दुख अपना स्वभाव के अनुसार से नहीं होता, पर ये दुख कर्म का उदय के अनुसार ने अया अनुसार छोड़कर इतना अनुसार किया, इतना भाई राग में दुख हुआ। खूबी तो ये है कि दुख राग हुआ ये पर से नहीं, पर का अनुसरण किया उसे हुआ है, स्व का अनुसरण करके एकत्र बुद्धि हुई, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ, पर अजी राग है तो जितना अपने अनुसरण करना चाहिए इतना अनुसरण नहीं, अने कर्मना निमित्त के अनुसरण में राज दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध ऐसा राज आता है, ये राज को पाव कहते हैं, कर्म को पाव कहते हैं। दो का संबंध था ये तोड़ दिया, स्वभाव के आश्रय लेकर यह अस्थिरता का नाश कर दिया, नाश में प्रोक्षम किया, नाशपति आ गया दादी। आओ स्वरूप प्रत्यक्ष से कर्मो जय ज्ञान स्वभाव रूप अधिक जाने आत्मा परमार्थ विनायक पुरुष ने उन्हें जीत मोही कहा। गाथा लो जे मुनि इतना मुनि ने प्रधान पाती कथन है, बाल लिंग तो प्रकट हुआ मुनि दशा प्रकट हुई, पर अजी अस्थिरता का राग बाकी रहा। कर्म के अनुसार है गाथा जे मुनि मोह को जीतकर ये जे अस्थिरता का भाव था उस स्वभाव के अनुसार करके अस्थिरता का दाब दिया, समझ में आया। अरे आई बात मुझे मोह क्या किया, मुआ मिथ्या तो नहीं, हाँ मोह मिथ्या तो नहीं, हाँ मोह अस्थिरता का भाव। ज्ञानी को जो राग आता है मोह है, मोह क्यों कहा कि पर तब की इतनी सावधानी रही, अपना तब की सावधानी इतनी न रखी। हा 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 जे मुनि
अबे मुनि तो कहा संकित ने मोह हो मोह ये मिथ्या मोह नहीं चारी तो मोह का दोष है। समझ में आया? जीत कर उपशम करके दाबी दिया अपना स्वरूप में उपशम भाव प्रकट किया इतना। अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा फाइन द्रव्य भाव से अधिक ये भावी जो विकारी दशा उसे भिन्न अरे आई लेना बोली एक तो बुद्धि का तो नाश पहले कर दिया सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ। अरे अथिरता का जो राग आया उससे अधिक नाम मेरी चीज भिन्न है ऐसे होकर राग को दाब दिया उपशम कर दिया। आई बात है हा तो प्रभु नो मार्ग छपाए सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ ये हम कहते हैं कुंदकुंदाचार भगवान पास गई थी हाथ दिन रही थी आकर बस कहते हैं भाई भगवान तुम्हें कहते हैं कि पहली तो स्तुति नई भाव इंद्रिय आदि पर उसे भिन्न कर अपना एकाग्र होना और आनंद का वेदन करना स्वसंवेदन होना ये आत्मा की केवड़ी की पहली स्तुति प्रशंसा कहने में आता है। जो परिद्रव की प्रशंसा करते थे कहा शुभ राग भगवान आन भगवान ये स्तुति छोड़कर अपना भगवान ज्ञान स्वभाव में एकाग्र हुआ स्तुति एक प्रशंसा अपनी किया पीछे बाकी रहा अभी अथिरता एकत्र बुद्धि से स्तुति नहीं हुए पर अथिरता से जो स्तुति थी संकेति को क्षाई संकेति अरे मुनि को मुनि कहते हैं ना अमृतचंद्राचार्य तीजा श्लोक अरे मैं तो पवित्र भगवान द्रव स्वरूप शुद्ध हूं पर मेरी पर्याय में अनादि से जी मलिनता है अजी खड़ी है मलिनता का अभाव पर्याय में नहीं हुआ। कर्माशिता आया मैं उपास है मेरी पर्याय में नित्य तो मुनि है तू शुभ भाव आता है तो कहते कि मेरी पर्याय में करुषिता है। मैं तो परमानंद का नाथ हूं पर मेरी पर्याय में अनादि से जी बड़े अनुभव हुआ सम्यक दर्शन हुआ मणिपणा हुआ पर पर्याय जी अशुद्धता है ये अजी कई नहीं। तीजी खत्म है तीजा है तीजी खाता है कवश और कवश तीजा तीजो कवश है क्या है अमृतचंद्राचार्य देव कहते हैं ये चौथो पानो ये समय सार शुद्धात्मा ग्रंथ की व्याख्या से मेरी अनुभूति अनुभव रूप परंतु की परम विशुद्धि हो कैसे मेरी परंतु परपंति का कारण मोह नाम का कर्म उसके अनुभव उदय रूप विपाक से मेरे में जी अनुभव राग आदि परिणाम होता है। भाव मन संकित तो है पर संत है नमो लोई सब आयरिया आचार पद में है
पर मैं सदमस्त हूं, मेरी पर्याय में शुभ भाव में करुषिकता उत्पन्न होती है। हाँ हाँ, राय आदि की व्याप्ति है न, मेरी पर्याय में राग द्वेष का अंश इसका व्याप्ति है, मेरी पर्याय में है। मैं स्वरूप है तो परमानंद शुद्ध चैतन्य हूं, पर मेरी पर्याय में अजी अशुद्धता बाकी है। ये भावक कर्म के अनुसरी ने अपने में जरी पर्याय बाहर होती है। तो मैं करते हूं तो वो कहते हैं इससे निरंतर कलमाशी मैली है। अरे मुनि पे अशुभ भाव तो है नहीं, टीका करने का विकल्प उठा ये मैल है हम कहते हैं। समझ में आया। और मैं द्रव्य दृष्टि से सु चैतन्य मात्र मूर्ति हूं। भावार्थ उसका भावार्थ आचार्य देव कहते हैं शुद्ध रहती नहीं दृष्टि तो मैं शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति, शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति वस्तु, किंतु मेरी परिणति मोह कर्म के उदय का निमित्त निमित्त और पाकर के मैली है। मेरी पर्याय में राग है, दुख है, आकुलता है, न हो तो मेरे परम आनंद होना चाहिए। अरे जगत नहीं सच मन न मिलना बहुत कठिन। मेरी रागादी तो हो रही है, खापन करते हैं कि ऐसा नहीं, इतना अपने राग का अंश देश का अंश है, सच ऐसा है, ऐसा भी थापन करना राग का अंश है। माया है 153। इसलिए शुद्ध आत्मा की कथनी रूप इस समय सारकत की टीका करने का फल यह चाहता हूं कि मेरी परिणति रागादी रहित होकर, मेरी परिणति में राग है, राग कहो दुख कहो आकुलता कहो कषाय कहो, तुम भाषा तो ऐसी है कि मेरे शुस्वरूप की प्राप्ति हो, मेरी परिणति रागादी रहित है टीका करने का फल, पर उसका अर्थ ये है टीका करने का जो विकल्प है उसका फल अशुद्धता का नाश ऐसा नहीं, उन टीका के काल में मेरी दृष्टि का जोर क्या जाएगा अंदर। उसमें मेरे टीका के काल में मेरी अशुद्धता नजर आ तो अमृत वाणी है भाषा, अमृत चंद्र आचार अमृत कवच। मेरी परंपरी रागादि रहित होकर शुद्ध हो, मुनि कहते हैं मेरी पर्याय में राग है, राग कहो दुख कहो आकुलता कहो, तो मैं टीका के काल में टीका से नहीं पर पाठ टीका से शुद्ध है। टीका नो विकल्प है पर मेरा जोर अंदर में है। ये जोर ने कारण है यह शुद्ध तक नष्ट हो जाए भैया। मुनिराज एम कहते हैं आचार्य पद नमो लुई आयरी आना, ये आए कहते हैं विश्व अर्थाई कर।